आपने समर्थन दिया, आपने वोट दिया, तो आज हम साई जी के साथ यहां पर आकर के 477 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लेकर के कुछ का लोकार्पण हो रहा है, कुछ कार्यों का शुभारंभ होने जा रहा है। ये सड़क से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, शिक्षा से है, स्वास्थ्य से है, ग्राम विकास से है, ऊर्जा से है, पंचायती राज से है, नगर विकास से है, आम जन से जुड़ी हुई समस्या है, खेती किसानी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, आम जन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं जिनका समाधान करने के लिए राज्य सरकार ने यहां पर धनराशि दी, केंद्र सरकार ने धनराशि दी और उस धनराशि का उपयोग यहां के समग्र विकास के लिए होगा। भाइयों बहनों, देवरिया की जब बात आती है तो पूज्य देवराहा बाबा का स्मरण हम सबके अंतःकरण में हो उठता है और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने देवरिया जनपद को दिया, वह देवरिया जनपद का वह मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने पूज्य देवराहा बाबा के नाम पर ही स्थापित किया है। मेडिकल कॉलेज अपने निर्माण के अंतिम चरणों में चल रहा है, जब निर्माण होगा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी गतिविधि अकेले देवरिया जनपद में ही मिलती हुई दिखाई देगी। ऐसा एक मेडिकल कॉलेज कुशीनगर जनपद में भी बन रहा है, गोरखपुर में एम्स का निर्माण हो गया है, महाराजगंज जनपद में पीपीपी बोर्ड पर हम लोग नया मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं, अन्य जनपदों में भी मेडिकल कॉलेज बनने की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। सिद्धार्थनगर जनपद में स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी जो जनसंघ के अध्यक्ष थे, उनके नाम पर हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर दी है, मेडिकल कॉलेज वहां पर प्रारंभ हो चुका है। बस्ती में महर्षि वशिष्ठ के नाम पर मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, गोंडा में मेडिकल कॉलेज का कार्य बस्तर पर चल रहा है, बहराइच में महाराज सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, ऐसे ही बल्लारपुर में सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर हम लोग एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना साकार हो पाई है, अन्यथा 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे और विगत 5 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 35 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाए हैं और हमारा प्रयास है अगले 2-3 वर्ष के अंदर सभी 75 जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज बनाकर के प्रदेश की जनता को उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा उनके जनपद में ही उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। ऐसे ही विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए भी हम लोग आए थे, मैं देख रहा था साई जी के साथ में यहाँ पे कृषि पे बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी है, हमारा अन्नदाता किसान कितनी मेहनत करता है लेकिन कभी कभी आपदा से उसकी जो आशाएं होती हैं उस पर पानी फिरता है, लेकिन जब सरकार साथ में खड़ी हो आपदा आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी और इसलिए अभी हाल ही में अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण किसान भाइयों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। जो लोग बाढ़ की चपेट में आए थे उनके लिए हम लोगों ने आपदा राहत कोष से भरपूर सहायता उपलब्ध करवाने के लिए जिला प्रशासन को पहले ही निर्देश दिया है, हर पीड़ित तक राशन किट पहुंचना चाहिए, प्रशासन की राहत सामग्री पहुंचनी चाहिए और जिन अन्नदाता किसानों को फसल का नुकसान हुआ है उसका आकलन करके समय पर भेज दें, हम उनका भी मुआवजा देने का काम प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार वहां पर एक कंपनसेशन भी उन किसानों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी।